खतरनाक आई जो आंखें आई हैं वो भगवान के पास में एक लड़की थी उससे रिलेटेड है, उसी की आंखें हैं। तो गुरु माँ उसको क्लियर विजन दिखाती है जिसको देख के मीरा काफ़ी डर जाती है, पर भगवान आता है सब कुछ दहेज नहेज करता है कि झूठ है, परेज है, ये सब बकवास है। सो मीरा बोलती है, यही बताती है कि मैं भगवान पे बहुत भरोसा करती हूँ, मुझे पता है भगवान मेरा विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा क्या दिखाया आपको, मतलब जो इतनी शॉक हुई है और तोड़ फोड़ विवान, ऑब्वियसली कुछ तो होगा उनका क्यू पॉइंट, क्योंकि विवान एक्चुअली सबसे रिलेटेड है मीरा के, तो इस वजह से उसको टेंशन है कि मीरा तक ये सारी बातें ना पहुँचे, ये सच ना पहुँचे, सो इस वजह से वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मीरा को विजन आ रहे हैं कि कोई आदमी नहीं है, पर वो आदमी कौन है उसको नहीं, इसलिए वो डाउटफुल है। एक लास्ट थी गुरु माँ की एंट्री हुई, मतलब अब आपकी का शो बाकी था जिसमें कुछ ड्रामेटिकल भूतिया ड्रामा, ये भूतिया नहीं है, ये हॉरर बिल्कुल नहीं है, बट ऑफ कोर्स इट इज़ लाइक हाई लेवल ड्रामा टाइप्स एंड काफ़ी ड्रामा हो रहा है, बट आई श्योर आप लोगों को बहुत मजा आएगा क्योंकि ड्रामा तो जरूरी है, इंडियन टेलीविजन है तो ड्रामा इज लास्ट लग रही है। ये जो लुक है ये क्या है, स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।